नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सिहोड़ी के आम बगान मैदान में कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का होगा आगमन। भाजपा की अगुवाई में निर्माण कराया जा रहा है भव्य पंडाल। गिरिडीह और गांडे विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के पक्ष में लोगों को करेंगे संबोधित। पुलिस अधिकारियों ने लिया सुरक्षा का जायजा। डीएफओ मनीष कुमार तिवारी ने गांडे स्थित कस्तूरबा विद्यालय के सामने का मैदान का लिया जायजा। झारखंड का बनेगा पहला मेडिसिन प्लांट, औषधीय गुणों की बढ़ेगी महत्ता। गांडे विधानसभा क्षेत्र में होम वोटिंग सुविधा तहत दिव्यांग वृद्धजन ने अपने घर पर ही मताधिकार का किया प्रयोग। सामान्य प्रेक्षक की मौजूदगी में हुआ यह कार्य। वृद्ध मतदाताओं ने इस सुविधा के लिए ईसी और जिला प्रशासन का जताया आभार। और भाजपा जेएमएम सहित निर्दलीय प्रत्याशी ने अलग अलग इलाकों में चलाया जनसंपर्क अभियान। अपने अपने पक्ष में जनता से मांगा वोट, विकास करने की कही बात। अब खबर विस्तार से। शहर के सिहोड़ी स्थित आम बगान मैदान में गृह मंत्री अमित शाह का चुनावी जनसभा को लेकर जायजा लिया जा रहा है। बताया गया कि गृह मंत्री भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। शहरी क्षेत्र के सिहोड़ी आम बगान मैदान में गृह मंत्री अमित शाह का चुनावी जनसभा को लेकर तेजी से कार्यक्रम स्थल को सजाया जा रहा था। गृह मंत्री अमित शाह का आगमन कल गुरुवार को होगा। गृह मंत्री श्री शाह गिरिडीह विधानसभा से एक भाजपा प्रत्याशी निर्भय शाहबादी और गांडे से प्रत्याशी मुनिया देवी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस बात पर कार्यक्रम को लेकर कार्यक्रम प्रभारी विवेश जलान ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह का आगमन सिरसिया स्थित बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल मैदान में हेलीकॉप्टर के माध्यम से होगा। वहां से सड़क मार्ग होते हुए कार्यक्रम स्थल आम बगान मैदान पहुंचेंगे। कार्यक्रम को लेकर तेज गति से कार्यक्रम स्थल पर सजाने की तैयारी कार्यक्रम द्वारा की जा रही थी। मंच को भी बेहतर तरीके से सजाया जा रहा था। विवेश जलान ने गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र की जनता से अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यक्रम स्थल पहुंचे और गृह मंत्री के संबोधन को सुनने का काम करे। इस अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसडीपीओ जीत वाहन उराव ने भी कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। मौके पर भाजपा नेता अनिल कुमार मिश्रा समेत कई भाजपाई मौजूद रहे। कल दिनांक 14/11/2024 दिन गुरुवार को हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई साहब जी का शुभ आगमन बीएनएस डीएवी स्कूल सिरसिया के मैदान में उनका आगमन होने जा रहा है। वहां पर वो हेलीकॉप्टर द्वारा सुबह 11 बजे उतरेंगे और वहां से ये आम बगान सीओडी में उनका चुनावी सभा होगा। हमारे गिरिडीह विधानसभा के भाजपा के प्रत्याशी बड़े भाई श्री निर्भय शाहबादी जी के पक्ष में वो चुनावी सभा करेंगे। आप सभी गिरिडीह के विधानसभा के जितने भी सम्मानित मतदाताओं से भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला सादर अनुरोध करती है कि भारी से भारी संख्या में आप हमारे आदरणीय गृह मंत्री भाई साहब श्री अमित शाह जी का चुनावी सभा में भाग लें, उनकी बातों को सुने और गिरिडीह विधानसभा के प्रत्याशी श्री निर्भय शाहबादी जी को कमल फूल छाप में भारी मतों से वोट देकर आप विजय बनावें और आपके चैनल के माध्यम से भी हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में आपसे अनुरोध करते हैं कि जितने भारी से भारी संख्या में आप यहाँ पधारे। धन्यवाद। गांडे स्थित कस्तूरबा विद्यालय के सामने मैदान का डीएफओ मनीष कुमार तिवारी के द्वारा जायजा लिया गया। बताया गया कि यहाँ झारखंड का पहला मेडिसिन प्लांट बनेगा, जिसमें लोगों को औषधीय पौधों के प्रति जागरूक करने का काम किया जाएगा और इसकी उपयोगिता के बारे में बताया जाएगा, जिसमें इन औषधीय पौधों से कई बीमारियों के इलाज के बारे में जानकारी दी जाएगी। डीएफओ मनीष कुमार तिवारी ने गांडे स्थित कस्तूरबा विद्यालय के सामने मैदान का जायजा बुधवार की शाम 5 बजे लिया। जायजा लेने के बाद डीएफओ मनीष कुमार तिवारी ने पत्रकारों से बात किया और कहा कि गांडे में झारखंड का पहला मेडिसिन प्लांट बनेगा। कहा कि औषधीय पौधों के प्रति लोगों को जागरूक करने एवं इसकी उपयोगिता को ले गांडे में मेडिसिन प्लांट गार्डन का निर्माण किया जाएगा। कहा कि हम
सिर दर्द व बुखार आने पर पैरासिटामोल का सेवन करते हैं, वह भी चिरौता से बनता है। इसी तरह अन्य औषधियां पेड़ पौधे यथा सर्पगंधा, गिलोया आदि है, जो किसी न किसी रोग की दवा है। कहा कि मेडिसिन प्लांट गांडे में उक्त औषधीय पौधों के प्रति बच्चों को जागरूक किया जाएगा। कहा कि यहां 5 हेक्टेयर में मेडिसिन प्लांट गार्डन का निर्माण किया जाना है। मौके पर रेंजर सुरेश रजक, वनपाल दिवाकर तांती, वन रक्षी दीपक कुमार, विष्णु किश्कू, जितेंद्र सिंह समेत अन्य मौजूद थे। वही हम लोग अभी देखने आए हैं, प्लानिंग करने आए हैं, और उसके ये झारखंड का पहला मेडिसिनल प्लांट गार्डन होगा, जिसमें कि ये जो बौद्धिक संपदा है जो कि धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, वो हम लोग को यहाँ पे इसके बारे में जानकारियाँ मिलेंगी कि जितने तरह के आप मेडिसिन जानते हैं। आपको मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप पैरासीटामोल जो खाते हैं, हर जो माथा दर्द हो या बुखार हो या कुछ भी, चिरैता से आता है। चिरैता क्या है, हमको नहीं लग रहा कि यहाँ में से कितने लोग जानते होंगे। हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो चलिए, आप चूंकि यहाँ जमीन से जुड़े हैं इसलिए जानते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते हैं। उसी तरह सफ़ेद मुसली हो गया, सर्पगंधा हो गया, जो कि 650 रुपये किलो बिकता है। तो वो क्या है सर्पगंधा, ठीक है। ये चीज़ रहेगा, एक तो रहेगा कि बच्चों में अवेयरनेस डालने का कि इतने तरह की ये जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, इन्हीं से मेडिसिन दवाइयाँ बनती हैं, इनके कौन से पार्ट्स होते हैं यूज़, और हम लोग इसको लोकल यूज़ में भी कैसे डाल सकते हैं, ठीक है। तो किस तरह से यूज़ करना है, ये सभी जानकारियाँ उसमें होंगी, लोगों में अवेयरनेस डाला जाएगा, और फिर बाद में इस पर एक तरह से ये जो हमारे आयुर्वेदिक हैं उसके रिसर्च और धन्वंतरी की जो पद्धति है उस पर ये आगे इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर, यहाँ पे केवल यहाँ फार्मिंग होगा या केवल डिस्प्ले होगा? दोनों होगा, दोनों होगा। अवेयरनेस का भी बोर्ड है, 5 हेक्टेयर के पार्क है ये, दोनों चीज़ें उसमें रहेंगी। काम शुरू होने का संभावना कब तक है? काम तो मतलब एक तरह से आप समझिए कि चालू ही है, प्लानिंग भी काम का ही स्टेज है, तो वो है, अब ख़त्म करने का रहेगा कि इस साल रहेगा, कुछ कुछ अगले साल का रहेगा, मतलब जल्दी ये काम यहाँ शुरू है। गांडे विधानसभा क्षेत्र में होम वोटिंग सुविधा तहत दिव्यांग वृद्धजन द्वारा सामान्य प्रेक्षक की मौजूदगी में बुधवार को 10 बजे से गांडे में वोटरों ने अपने घर पर ही मताधिकार का प्रयोग किया। डाक मतपत्र के माध्यम से होम वोटिंग का सशक्त लोकतंत्र निर्माण में अपनी सहभागिता निभाई है। वोट डालने के बाद वृद्ध मतदाता ने इस सुविधा के लिए जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया गया। इस दौरान सामान्य प्रेक्षक के द्वारा गांडी विधानसभा क्षेत्र के तहत हो रहे होम वोटिंग से मतदान कार्यों का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने सभी मतदाताओं से 20 नवंबर को अपने बूथ पर जाकर मतदान करने की अपील की। मौके पर गांडी के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, शहर संपर्क पदाधिकारी, प्रेक्षक कोषांग समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस के डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपिक, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गॉल ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रियाटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज, वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टन स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह, मोबाइल नंबर 7008645619551520 गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है।
डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार के जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्रिक की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहबादी ने शहरी क्षेत्र के कई वार्डों में जनसंपर्क अभियान चलाया और लोगों से अपने पक्ष में आशीर्वाद मांगा। साथ ही उन्होंने पिछले कार्यकाल की योजनाओं के बारे में बताते हुए अधूरे काम को पूरा करने की बात कही और आगामी गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम में सभी को सम्मिलित होने के लिए कहा गया। गिरिडीह विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी निर्भय कुमार सहबाती का तूफानी दौरा लगातार जारी है। शहरी क्षेत्र थरिया डी, झुंझरी मोहल्ला सहित कई वार्ड में जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्हें अपार जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 21 में बूथ अध्यक्ष द्वारा एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में स्थानीय लोगों ने उन्हें पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि उनकी प्राथमिकता गिरिडीह का विकास करना है। जब वह विधायक थे तो कई कल्याणकारी योजना लाकर लोगों को लाभान्वित किए थे। कुछ काम अधूरा रह गया था, उसे पूरा करना है। जब आप लोगों का आशीर्वाद मिल जाएगा। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि कल यानी गुरुवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह का कार्य क्रम है, लिहाजा इस कार्यक्रम में सभी को सम्मिलित होना है। समारोह को कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव ने भी संबोधित किया। मौके पर उज्जवल, अनिल सिंह, विशाल, राजेश जायसवाल, टिंकू साव समेत बड़ी संख्या में वार्ड के सम्मानित लोग उपस्थित थे। बहुत हर्ष की बात है कि कल मतलब 14 तारीख 10:30 बजे माननीय गृह मंत्री का आगमन गिरिडीह में होने जा रहा है, तो मैं आपको आमंत्रित भी कर रहा हूँ कि आप आम बगान सीओडी का मैदान है, आम बगान में सब लोग इकट्ठे होकर वहाँ पहुँचने का काम करें और भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने का काम करें, आग्रह है सबसे पहले। दूसरी बात, 2019 में मेरी हार हो गई थी कतिपय कारणों से, वोट बढ़ा, ऐसा नहीं कि वोट कम हुआ, जीते थे तो 57,000 वोट आया था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और हारे तो 65,000 वोट आया, फिर भी हार गए। तो इस को कहां गोलबंदी हुई और क्यों हम हार गए, इस बात को मंथन करना पड़ेगा। जनता देखा होगा आपके हाथ में मेरा पर्चा है, उसमें लगभग 100 करोड़ की योजनाएं छूट गई हैं, लेकिन आपके आशीर्वाद से, आपके ताकत से जो दो साल मैंने दो बार हमको अपने अवसर दिया है आपका प्रतिनिधित्व करने का, तो मैंने इतने सारे काम किए हैं। पीटांग जैसे सुदूरवर्ती इलाके से लेकर के गिरिडीह और गिरिडीह मुफस्सिल क्षेत्र में मैंने कार्य किया है, विकास के काम। आपका भाई, आपका सेवक पैसे कमाने के लिए राजनीति नहीं करता, विधायक नहीं बनता, बल्कि जो सैलरी मिलती है हमको वो भी जनता को मैं समर्पित करता हूँ। उनके दुख दर्द में मैं हमेशा साथ आता हूँ और ये सिलसिला मेरा हारने के बाद भी जारी रहा कि मैं वहाँ पर बैठता था और जनता के दुख दर्द को, चाहे वो BDO हो, CO हो, थाना हो, पुलिस हो, शादी हो, ब्याह हो, बर हो, बीमारी हो,
मैं लगातार 5 वर्ष तक बैठ करके जनता की सेवा करने का काम किया है और अभी अवसर आया है कि आप फैसला ले कि कौन कैसा है, कौन ईमानदारी से आपकी सेवा करने के लिए तत्पर है। आपको ये सावधान करना चाहता हूँ, सरकार को बदलना और मोदी जी को ताकत देना हम सबों की जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदारी बनती है। मोदी जी अगर ताकतवर होंगे तो देश सुरक्षित होगा, झारखंड सुरक्षित होगा, झारखंड में न्याय मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है और आपने देखा है कि एक अवतार के रूप में मोदी जी हमारे देश में है। वो अवतार को हमको ताकत देनी है, जन समर्थन देना है और जन समर्थन 20 तारीख को 2 नंबर का बटन दबा करके आप हमको आशीर्वाद दीजिएगा, लेकिन ताकत मोदी जी को मिलेगी। यही प्रार्थना और आशीर्वाद लेने के आपके बीच आया हूँ। उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप हमारा साथ देंगे, भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। झारखंड में हो रहे पहले चरण के मतदान में विपक्षी दलों के लोग गुंडागर्दी करने का काम कर रहे हैं, यह बात भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय ने कहा है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि सीटों पर भाजपा के कैडर के साथ मारपीट की सूचना मिली है और खूब झामुमों पर तंज कसा। बीजेपी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय ने बुधवार को 10 बजे बरगंडा में कहा कि झारखंड में हो रहे पहले चरण के मतदान में विपक्षी दलों के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, कई सीटों पर भाजपा के कैडर के साथ मारपीट किए जाने की सूचना प्राप्त हो रही। भाजपा चाहती है कि राज्य में भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान हो, लेकिन सत्ता पक्ष से जुड़े लोग अशांति फैलाना चाहती। पार्टी स्तर से इस मामले की सूचना राज्य चुनाव आयोग को दे दी गई है। श्री राय गिरिडीह में पत्रकारों से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि झारखंड बनने के बाद 5वीं बार चुनाव हो रहा है, यह चुनाव राज्य की दिशा और दशा के लिए है। श्री राय ने JMM पर तंज कसते हुए कहा कि JMM आंदोलनकारी और सीबू सोरेन की पार्टी हुआ करती थी, लेकिन अब यह पार्टी हेमंत और उसकी पत्नी कल्पना सोरेन की हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया है गांडे विधानसभा में सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, यहां कल्पना को जिताने के लिए सरकार से जुड़े लोग काम कर रहे हैं। गांडे का चुनावी स्वाभिमान की रक्षा को लेकर है और भाजपा यहां प्रचंड वोटों से जीत दर्ज करेगी। प्रेस वार्ता में गांडे से भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी, एसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री कामेश्वर पासवान, कोलेश्वर वर्मा, मनोज वर्मा समेत कई नेता मौजूद थे। कई जगहों से हमें सूचना मिली है कि JMM के हताशा में आने के बाद उसके लोग भाजपा के बूथ एजेंट के साथ बहरागोड़ा में, चाईबासा में, कोडरमा में जो शांतिपूर्ण चुनाव करने में लगे हुए हैं, उनको भयभीत करने का, झगड़ा करने का, मारपीट करने का कोशिश कर रहे हैं और बूथों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आज प्रातःकालीन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं झारखंड की प्रशासन को और चुनाव आयोग से कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार की सूचनाएं मिल रही हैं, खास करके JMM और RJD के प्रभावित क्षेत्र में, चुस्ती से काम करें। लोकतंत्र के इस पर्व को कलंकित करने का जो प्रयास चल रहा है NDA गठबंधन का, उसको नियंत्रण करें। हमारे वर्कर सभी जगह पर खड़े हैं और सारी सूचनाएं मिल रही हैं, चुनाव आयोग को लगातार सूचना दे रहे हैं। अभी कई स्थानों से मेरे पास सूचना आ चुकी है, तो प्रशासन को आज सुस्त रहने की जरूरत है। यदि उसने कहीं से भी बूथ पर अशांत होने का समाचार मिला और बूथ में गड़बड़ी करने की सूचना मिली, तो भारतीय जनता पार्टी कानूनी कार्रवाई से लेकर के जन दबाव के कोई कदम से पीछे नहीं रहेगी। बहुत धन्यवाद। क्षेत्र में आपका दौरा चल रहा है, किन किन क्षेत्रों में दौरा चल रहा है और क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? मेरा गांडे विधानसभा में सभी क्षेत्र में मैं दौरा कर रही हूँ, मैं भ्रमण कर रही हूँ, पूरा घूम घूम के एक एक व्यक्ति से जा करके मैं अपील कर रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनावें, सशक्त बनावें और भारतीय जनता पार्टी को जीत करके सुनिश्चित करें और सरकार बनाने को काम करें। तो मैं सभी जगह से घूम घूम के देख रही हूँ, सभी हमारे जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं गांडे विधानसभा का, सभी पूरा ललायत है। ये जो बदवान में सरकार है, इसे सबसे दुरुस्त है, सबसे भ्रष्टाचार है। इन्होंने एक ही संकल्प लिया है कि इस
मुक्ति मोर्चा सरकार को उखाड़ के फेंकना है और भारतीय जनता पार्टी को सरकार हमको बनाना है। तो बस एक ही नारा के साथ मैं चल रही हूँ और मेरा जनता कार्यकर्ता पूरा ललायत है, पूरा कमर कस लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को सीट निकालना है। और इस तरह से भी जब भ्रमण कर रही हूँ तो एक ही नारा इन लोग को आता है कि जो भी जितने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वादा किए हैं, एक भी वादा वो पूरा करने को काम नहीं किए हैं। तो सभी में आक्रोश भरा हुआ है। इस तरह से सरकार को हमको नहीं रखना है, उखाड़ के फेंकना है। अभी जो उप चुनाव हुआ 6 महीना पहले, तो इन्होंने आ करके रोने धोने को काम की, सभी जगह जा करके सभा में जा करके कि यहाँ से हम जीत कर जाते हैं तो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसको खुद पति ने धोखा दिया है। आने के बावजूद जो हमारे माननीय चंपे सोरेन जी मुख्यमंत्री थे, इसको हटा करके अपने गद्दी पर बैठने को काम किए हैं। तो हमारे गांडे का देवतु जनता अब सब जाग चुके हैं। इन्होंने कमर कस लिया है कि हम लोग का खाली ठकने का काम किया है, छलने को काम किया है। तो छलने और ठकने को नहीं चलने देंगे। और अभी जब चुनाव का समय जब हो रहा है तो हवाई जहाज से उड़ती है और मैं घर घर जा करके एक एक व्यक्ति से मिल रही हूँ। एक एक व्यक्ति को यही पुकार है कि हवाई जहाज से उड़ती है, वो क्या देखती है, क्या नाली है, कहाँ गली है, क्या PCC का जरूरत है, कहाँ पुल पुलिया का जरूरत है, तो उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसको हवाई जहाज से खाली उड़ना दिखाई लोगों को पड़ रहा है। तो एकदम पूरा जागरूक हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गाने विधानसभा की GMM प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन की तेलोडी में जनसभा हुई। इस दौरान उन्होंने सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में बताते हुए इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करने की अपील की और इस मौके पर पार्टी के कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। तेलोडी में बुधवार शाम 6 बजे गांडे से JMM प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन की जनसभा हुई, जहां उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए फिर से इंडिया गठबंधन को वोट करने की अपील की। इस मौके पर राज्यसभा सांसद डॉ. सरफराज अहमद, फरदीन इम्तियाज अहमद, प्रणव वर्मा, मुखिया प्रतिनिधि मुमताज अंसारी, सोशल वेलफेयर अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम, पंचायत समिति सदस्य आमिर अली मोहम्मद शमशाद आदि सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ये 4 से 5 महीने मैं ये चाहूंगी आप लोगों ने बहुत प्यार, बहुत सम्मान, बहुत विश्वास के साथ मुझे ये जिम्मेदारी दी थी और मैंने भी शिद्दत के साथ में गांडे के लिए ऐसी ऐसी योजनाओं को लाने का काम किया है जो ये 4 से 5 महीने में आपके समक्ष में है। लेकिन मैं ये चाहूँगी हमें सिर्फ गांडे नहीं, गांडे को हम जीतेंगे, हमें गिरिडीह जिला में भी हमारे जितने सारे उम्मीदवार हैं सबको एक जीत दिलाना है, क्योंकि झारखंड में हमें आपकी अपनी अबुआ सरकार लाना है। अब वक्त चल रहा है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहां रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहां उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहां सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहां से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें, एक कपड़ों के दामों पर दो कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ा दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन। अस्थि रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर,
एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह विधानसभा से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रत्याशी नवीन चौरसिया ने शहर के कई इलाकों में अपना जनसंपर्क अभियान चलाया और लोगों से मिलकर समर्थन देने की बात कही और कहा कि जनसंपर्क के दौरान लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है। गिरिडीह विधानसभा से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रत्याशी नवीन चौरसिया ने जनसंपर्क अभियान के तहत शहरी क्षेत्र के कई वार्ड का दौरा किया। इस दौरान लोगों ने उनका स्नेह और भरोसे के साथ स्वागत किया, जो प्रत्याशी के लिए प्रेरणादायक रहा। मौके पर श्री चौरसिया ने कहा कि लोगों की इस आत्मीय समर्थन ने उनके संकल्प को और भी मजबूत कर दिया है। उन्होंने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि आगामी 20 नवंबर को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को अपना समर्थन दे और गिरिडीह के उज्जवल भविष्य में अपनी भूमिका निभाए। उन्होंने कहा कि जनसंपर्क अभियान के दौरान लोगों का उत्साह देखने लायक है, जो आने वाले समय में पार्टी के प्रति लोगों का रुझान दर्शाता है। बुधवार को श्री चौरसिया का जनसंपर्क अभियान भंडारीडीह, मोहनपुर, पचम्बा, अलकापुरी समेत कई वार्ड में डोर टू डोर कैंपेनिंग चला। वहीं मौके पर शशि शर्मा, रवि यादव, पप्पू खान, चीमा, राजा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ना कि भाजपा और जेएमएम का एजेंडा एक है। भाजपा जो है हमारे हिंदू भाई को लुभाने में लगी हुई है और जेएमएम जो है हमारे मुसलमान भाई को लुभाने में लगे हुए हैं। जनता को पता है कि दो दो बार इन लोग जनता को धोखा देने का काम किया, इसलिए कि ये लोग का गठबंधन दो बार पहले पूर्व में भी हो चुका है। इसीलिए एजेंडा विकास का होता है, प्रदेश का विकास का होता है। आज देखिए, जितनी भी स्थानीय समस्याएं हैं, स्टेट लेवल की जितनी भी समस्याएं हैं, पिछले 24 साल में झारखंड की स्थापना के बाद भी आज तक सारे समस्या धरे के धरे रह गए हैं। भ्रष्टाचार जो है पूरी तरह हावी है हमारी विधानसभा में, इसीलिए इस बार लोगों ने मन बना लिया है और पूरे समर्थन के साथ, अभूतपूर्व समर्थन के साथ जयराम अटो हमारे जो सुप्रीमो हैं उनकी सरकार बनने जा रही है और विधानसभा में हम लोग लाखों वोट से जीतने जा रहे हैं। धन्यवाद। नवीन भैया जिंदाबाद। लगातार जनसंपर्क का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, मैं पीरदान से स्टार्ट किया हूँ, फिर मुफस्सिल आया। जनता हताश है, निराश है, जनता परिवर्तन के फुल मूड में है और जनता इस बार हम लोगों की सरकार बनने में 100% साथ दे रही है। गांधी श्री रामपुर के निवासी संदीप रवानी को कुछ लोगों ने मारपीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया। बताया गया कि जब वह घर से कुछ सामान लेने के लिए बाहर निकला, तब कुछ लोग पहले से ही घात लगाए बैठे हुए थे और इन पर हमला कर दिया, जिससे ये बेहोश हो गए। सदर प्रखंड के गांधी श्री रामपुर निवासी संदीप रवानी को कुछ लोगों ने मिलकर मारपीट कर घायल कर दिया। बुधवार को इनका इलाज 10 बजे सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि घायल संदीप रवानी बीती रात करीब 8:30 बजे घर का खाद्य पदार्थ लेने के लिए दुकान जा रहा था। इसी क्रम में पहले से घात लगाए बैठे बबलू रवानी, अनिल रवानी, सुनील रवानी ने इन पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें ये घायल होकर बेहोश हो गए। अन्य ग्रामीणों के सहयोग से इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, यहां इनका इलाज चल रहा है। इस संबंध में इन्होंने मुफस्सिल थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। बताया गया कि ये सभी गांव के काफी दबंग व्यक्ति और मारपीट धमकी देते रहते हैं। हम बोलते हैं कि जब उन लोग मारा तो भागा का है, अगर यदि नहीं मारा तो का है भागा उठाता जी। क्या नाम था? वो ना वही है बबलू रवानी। और जब सुनील को समझाना चाहिए गार्जियन है तो वो भी सब भाग गया, बताइए आके बीच में। और मंजरी से लीजिए, मंजरी से जिसका साथ हुआ है
क्या चुगली हुआ था, तो चुगली के कारण क्या करेगा, मर्डर कर देगा क्या? इसका मन बढ़ गया ना, इसका कोई मतलब नहीं था। ये सब अच्छा बात है, देखिए हम लोग इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ हम लोग के चाहिए बस। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह शहर के उपनगरी पचम्बा में खुल गया है ब्रांडेड जूतों की नई दुकान। हमारे यहाँ युवाओं के लिए खास कलेक्शन उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं भारत के नामी गिरामी जूते, चप्पलों व स्लीपर के प्रतिष्ठित कंपनियों के जूतों का कलेक्शन, वो भी फुल रेंज में। जैसे नाइकी, रिबॉक, एडिडास, पुमा, एक्स कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल और स्पोर्ट्स शू के 7A क्वालिटी में हर प्रकार के जूते, चप्पल व स्लीपर के लेटेस्ट मॉडल, हर डिजाइन, अनेक रंगों व हर साइज में उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपनी थाईलैंड की बनी अड्डा यूनो ग्लोबल की ब्रांडेड ऑल पर्पस स्लीपर, जो काफी कम कीमत पर उपलब्ध है। हमारी पहचान पूरे गिरिडीह व पचम्बा शहर में सबसे कम कीमत पर ब्रांडेड जूते चप्पलों के विक्रेता के रूप में की जाती है। कम कीमत पर आपको देते हैं गारंटी जूता चप्पल। इसके अलावे न्यू बैलेंस कंपनी की सभी प्रकार के जूते व चप्पल भी उपलब्ध है। तो इस त्योहार में खुशियां मनाएं ब्रांडेड शूज के साथ। हमारा पता है मस्जिद मार्केट, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की चौथे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिसर, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचिए और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। एसटी, एससी, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएन कॉलेज कॉलोनी में बुधवार को झारखंड आंदोलनकारी मिठुलाल महतो के पुत्र पुण्यतिथि मनाया गया। इस दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं समाज के प्रबुद्ध जनों ने स्वर्गीय महतो के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही उनके विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। इस दौरान स्वर्गीय महतो के भाई सुरेश महतो, स्वर्गीय महतो के व्यक्तित्व और कृत्यों पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में बहुमूल्य योगदान रहा है। उन्होंने बंदी रैली, आर्थिक नाकेबंदी आदि कार्यक्रम का कुशल नेतृत्व किया। हम लोग कोकिलचंद महतो का प्रथम पुण्यतिथि मनाने के लिए हम लोग आए हुए हैं। कोकिलचंद महतो एक सामाजिक व्यक्ति थे और स्वर्गीय मिठुलाल महतो का तृतीय पुत्र थे और ये अपने जीवन काल में समाज के प्रति समर्पित भाव से डुमरी में समाज उत्थान के लेकर के अपना जीवन दान दिए। उनके प्रथम पुण्यतिथि उनका छोटा भाई सुरेश महतो और हमारे जितने भी साथी लोग सभी उपस्थित हुए और हम लोग डुमरी पीएन कॉलेज उनके आवास पर ही पुण्यतिथि हम लोग मनाए। महतो जी का वहाँ पर प्रथम पुण्यतिथि है और कोकिल चंद महतो बहुत ही सामाजिक व्यक्ति थे, बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। उनके प्रथम पुण्यतिथि में हम लोगों ने को जानकारी मिला, जानकारी मिलने के उपरांत पहला प्रथम पुण्यतिथि में हम लोग शामिल हुए, क्योंकि उनकी जो कार्य शैली जो रहा था समाज के प्रति रहा था, अग्रणी भूमिका निभाते थे, इसलिए हम लोगों ने उनके प्रथम पुण्यतिथि में शामिल होने का। डुमरी इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने 5 जोन में बाइक रैली निकालकर झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में वोट मांगा। इस दौरान चौक चौराहे में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। कार्यकर्ता मुख्य रूप से क्षेत्र में क्रमशः डुमरी, कुलगो उत्तरी, कुलगो दक्षिणी, भरखर, अम्बरा, असुरबांध, डुमर चुटियों तक गया। इस दौरान झामुमो मंत्री प्रतिनिधि राजकुमार पांडे ने कहा कि सभी कार्यकर्ता बाइक रैली के माध्यम से सभी पंचायतों में जा जाकर नुक्कड़ सभा किया, साथ ही झामुमो के किए गए विकास कार्यों को बताते हुए झामुमो के पक्ष में वोट मांगे।
वहीं अभिभावक एकता मंच के सदस्य बैजनाथ माधो ने कहा कि झामुमो कार्यकर्ता को सही संचालन करने के लिए पूरे प्रखंड को 5 जोन में बांटा गया है। उन सभी जोनों के कार्यकर्ताओं को बाइक रैली के माध्यम से बेबी देवी के चुनाव चिन्ह तीर धनुष पर वोट मांगा एवं हेमंत सोरेन के हाथों को मजबूत करेंगे। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने कहा, हम सभी को जिस पंचायत एवं गाँव में प्रचार प्रसार के लिए दायित्व को सौंपा गया है उसके आधार पर ग्रामीणों से विकास के नाम पर वोट मांगा। क्षेत्र की सभी लोग जानते हैं कि बेबी देवी का कार्यकाल में विकास की गंगा बही है। इसे देखते हुए दोबारा विधायक बनाकर मंत्री बनाने के लिए संकल्प लिया। वहीं उत्तराखंड के जीतकुंडी जांगीदिरी बधाईटांड में पूर्व जिप सदस्य भोला सिंह ने कहा, सरकार के द्वारा चलाए गए जन कल्याणकारी योजना का ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने लाभ उठाया है, जिसका परिणाम आने वाले 20 तारीख को अपना बहुमूल्य वोट देकर झामुमो के हाथों को मजबूत करेंगे। उद्देश्य ये है, डुमरी ब्लॉक को जो है 5 जोन में बांटा गया है, 5 जोन जिला परिषद जो है ना 5 जोन में बांटा गया है। आज हम लोग जो है और ये 5 जोन में आज तमाम जोन में तमाम जिला परिषद जोन में 7 पंचायत जो आता है 7ों पंचायत में बाइक रैली है, बाइक जुलूस हम लोगों का है और गांव-गांव में ये भ्रमण है। ये पूरे जो है डुमरी प्रखंड के अंदर जो है ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और हम लोग जो है श्रीमती बेबी देवी मंत्री महोदया के चुनाव चिन्ह तीर धनुष छाप पर हम लोग वोट मांगने का काम कर रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं और वोट देने का भी काम करेंगे। बाइक रैली के लिए हम लोग निकल चुके हैं, हम लोग थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं, अनाउंसर गाड़ी का आने में लेट कर रही है, हम लोग तुरंत यहाँ से रवाना हो जाएंगे और सभी पंचायत में जाके हम लोग नुक्कड़ सभा करेंगे। आज के अंत में बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।